नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सतेंद्र में। और जैसा कि आपको बताया कि हम बायोलॉजी के टॉपिक पढ़ रहे थे, और बायोलॉजी के टॉपिकों में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था कोशिकांग। और कोशिकांग टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, फिर वीडियो आना बंद हो गई थी, उसी वीडियो को मैं निरंतर कर रहा हूँ। और आपको रोजाना बायोलॉजी संबंधित वीडियो, एक या दो वीडियो जो भी होंगी वो मिलेंगी, अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो भी मिलेंगी। तो यहाँ पर कोशिकांग में कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, और कुछ जो टॉपिक हैं उनको आज हम देखेंगे। और उन टॉपिकों में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कार्ड, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्जी कार्ड, या फिर इसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है। गोल्जी काय कोशिका के अंदर पाया जाता है, और गोल्जी काय की जो खोज है ये की थी किसने, कैमिलो गोल्जी ने। यानी कैमिलो गोल्जी जो विद्वान है, इसने गोल्जी काय की खोज की थी। और ये खोज कब की गई थी, तो ये खोज की गई थी 1898। और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एक बार पूछा गया था कि गोल्जी काय की खोज कब की गई थी, और एक बार पूछा गया था कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, या फिर कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं उन कोशिकांगों के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कोई भी कोशिकांग है उसका आखिर कार्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है, तो इसका जो कार्य है वो है श्रावण या एक्सक्रीशन, या फिर इसी चीज को मैं कहूं सामान्य भाषा में तो इसको मैं कह सकता हूं उत्सर्जन। क्या कह सकता हूं, उत्सर्जन। यानी गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है उत्सर्जन करना। लेकिन किस चीज का उत्सर्जन करना, तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें, तो गोल्जी काय के द्वारा एंजाइम का उत्सर्जन किया जाता है। यानी हम ये कहें कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम है, ये एंजाइम आते कहां से हैं, तो उनका प्रमुख कार्य, यानी ये एंजाइम कहां से आते हैं, गोल्जी काय से। यानी गोल्जी काय एंजाइमों का श्रावण करता है, एक्सक्रीशन करता है, और फिर ये हमारी बॉडी में एंजाइम कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम कहें तो ये क्या गोल्जी काय हमारी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है। यानी हम किस में आते हैं, जीव जंतुओं में, तो जीव जंतुओं के अंदर गोल्जी काय पाया जाता है, या पेड़ पौधों के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर गोल्जी काय को गोल्जी काय नहीं कहा जाता है, वहां पर इसका एक अन्य नाम कहा जाता है, जिसको कहा जाता है डिप्टियोसोम। क्या कहा जाता है, डिप्टियोसोम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गोल्जी काय को पेड़ पौधों में कहा जाता है, तो गोल्जी काय को पेड़ पौधों में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिप्टियोसोम। ठीक है, तो इतनी जो भी मैंने गोल्जी काय के बारे में जानकारी दी, ये जानकारी पर्याप्त है गोल्जी काय के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, या फिर इसको कहा जाता है ईआर। ईआर का मतलब, है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। मैं आपको सामान्य भाषा में बताऊं तो जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है, ये है सेंटर, केंद्रक। और जो केंद्रक होता है ये दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है, मान लीजिए
लीजिए ये केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर ये कोई पदार्थ भरा हुआ है और केंद्रक के बाहर ये कोई पदार्थ भरा हुआ है। फिर यहां पर एक पाइपनुमा संरचना ऐसे पाई जाती है, पाइपनुमा संरचना, और ये पाइपनुमा संरचना जो होती है ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। यानी आपको देखने में ये क्या लग रहा है भाई? मुझे ये दिख रहा है क्या? पाइप। और एक पाइप का काम क्या होता है? एक पाइप का काम होता है किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण करना, किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण करना। जैसे अगर हम कहें कि पानी, तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है पाइप, यही तो काम है। तो यहां पर हम कहेंगे कि अंतरे प्रद्रव्य जालिका जो है इसका काम यह है कि मान लो यहां पर कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को यहां से लेकर कहां तक ले जाना? केंद्रक तक। केंद्रक का कोई पदार्थ है इसको बाहर लेके आना, या फिर कोई अन्य कोशिका इससे सटी हुई है तो इस कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है इसको दूसरी कोशिका में पहुंचाना, ये किसका काम है? ये अंतरे प्रद्रव्य जालिका का काम है। यानी आप आज के बाद ये कभी नहीं भूलोगे कि अंतरे प्रद्रव्य जालिका का जब भी काम पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है बस पाइप, यानी पाइप की तरह ये काम करती है। तो यहां पर अगर मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा जाता है। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके दो प्रकार हैं, और वो कौन कौन से प्रकार हैं ये हम जानते हैं। तो यहां पर ईआर को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक ऐसी ईआर है जो कैसी है? खुरदरी। और एक ऐसी ईआर है जो कैसी है? शिकनी। इसको मैं कह सकता हूं रफ, और इसको कह सकता हूं स्मूथ। अब यहां पर ये कैसे अनुमान लगाएं कि खुरदरी ईआर कौन सी होगी और चिकनी ईआर कौन सी होगी? तो खुरदरी का मतलब यानी जो पाइप है उन पाइप पर अगर छोटे छोटे कण चिपके हुए हैं तो वो कैसी होगी? खुरदरी। अब वो छोटे छोटे कण हैं क्या? तो वो छोटे छोटे कण क्या हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसका मतलब अगर पूछ ले कोई कि खुरदरी अंतरे प्रद्रव्य जालिका का क्या कार्य है, तो खुरदरी अंतरे प्रद्रव्य जालिका का काम होगा प्रोटीन का निर्माण करना। फिर इसका मतलब यह है कि जो चिकनी अंतरे प्रद्रव्य जालिका है इस पर क्या राइबोसोम पाया जाएगा? तो नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब क्या यह प्रोटीन का निर्माण कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर किस चीज का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है लिपिड का, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन का, लिपिड का निर्माण करती है। या चिकनी अंतरे प्रद्रव्य जालिका का काम लिपिड का निर्माण करना, और खुरदरी अंतरे प्रद्रव्य जालिका का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना कार्य इसलिए है क्योंकि इस पर क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम चिपका हुआ है। ठीक है। इसके अलावा ईआर की जो खोज है वो किसने की थी? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था के आर पोर्टर। के आर पोर्टर ने 1945 में अंतरे प्रद्रव्य जालिका की खोज की थी। तो यहां से अंतरे प्रद्रव्य जालिका से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी कई टॉपिक हैं इससे संबंधित, उन टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जब अंतर प्रद्रव्य जालिका को पढ़ाते हुए मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया राइबोसोम, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में अभी हम जानते हैं कि आखिर जो राइबोसोम है ये करता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम। अच्छा, इसको साथ ही साथ नोट करते जाइए
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको तुरंत के तुरंत नोट कर लिया करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेराड। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पेलाडे, और पेलाडे ने सन 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। अभी अभी तुरंत मैंने आपको जस्ट बताया कि राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, या इसको मैं कह सकता हूं प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। जो राइबोसोम है यह दो प्रकार का होता है, एक को कह सकते हैं 70S प्रकार का और दूसरे को कह सकते हैं 80S प्रकार का। अब यहां पर 70S, यहां पर S क्या है? तो S का मतलब है सेडिमेंटेशन, या इसको कह सकते हैं अवसादन। आप ये मान लीजिए कि राइबोसोम दो प्रकार का है, एक छोटा राइबोसोम और दूसरा बड़ा राइबोसोम। जो छोटा राइबोसोम है इसका मतलब छोटा कण होगा, और जब छोटा कण होगा तो इसको पानी में डाल देंगे तो ये धीमे धीमे नीचे की तरफ जाएगा, ये भारी कण है तो ये बहुत ही तेज गति से नीचे की तरफ जाएगा। ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी जो है दो प्रकार का होता है, 70S वाला, 50S और इसके अलावा 30S। 80 वाला भी दो प्रकार का होता है, एक 60S और दूसरा 40S। ठीक, तो आपको यहां पर दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक राइबोसोम की खोज और दूसरा राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, तो यहां पर आज हमने तीन टॉपिक कवर किए, एक अंतरय प्रतिद्रव्यी जालिका, दूसरा राइबोसोम, और इनके अलावा एक गोल्जी का है। ठीक है, तो इसके बाद भी काफी सारे कोशिकांग बचे हुए हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में निरंतर रूप से कवर करते रहेंगे, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी दिखे या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं सर आपको ये चीजें ऐड करनी चाहिए, तो वो चीजें भी मैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा। थैंक यू।